अब आपके सामने आगे की राजनीतिक जो हमारी लड़ाई है उसके लिए गोपाल जी आपके सामने आएंगे। अभी सौरभ भारद्वाज जी ने डिटेल में सीलिंग की क्या वर्तमान स्थिति है, इसकी क्या पेचीदगियां हैं और इसके समाधान के क्या रास्ते हैं, इस पर अभी तथ्यों के साथ आपसे बात की है। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से यह स्पष्ट मानना है कि जो सीलिंग की जा रही है इसके लिए पूरी तरह से, चाहे वो एमसीडी के माध्यम से कनेक्शन जुड़ता हो और चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से कनेक्शन जुड़ता हो, एमसीडी का भी कनेक्शन जाकर के भाजपा पे खत्म होता है और केंद्र सरकार का भी कनेक्शन जाकर के भाजपा पे खत्म होता है। जो आज दिल्ली में कारोबार और रोजगार छीनने का जो महाअभियान चल रहा है सीलिंग के माध्यम से, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पैर से लेकर के सर तक जिम्मेदार है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, जिससे वो मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि अगर ये सीलिंग का दौर जारी रहता है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी मजबूती के साथ आंदोलन का दौर भी जारी रहेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी समाधान की तरफ नहीं बढ़ती है, आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को वापस नहीं देगी और इस आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। नंबर दो बात हम कहना चाहते हैं, कई दिनों से लुका छिपी चल रही है। जब दिल्ली के विधानसभा सदन के दौरान जब चर्चा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी ने पूरी अपनी बहस को ले जाकर के केंद्रित किया कि 351 सड़कों का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, 351 सड़कें क्यों नहीं लाई गई, दिल्ली सरकार जवाब दे, दिल्ली सरकार जवाब दे। हमने विनम्रता के साथ तब भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी के कमिश्नर्स को, मेयर्स को बुला करके कहा है कि आप जल्द से जल्द आप अपना रिपोर्ट सबमिट करिए और दिल्ली सरकार इसके पास पहल करेगी। 22 तारीख की डेडलाइन थी, 23 तारीख को तीनों जगह से जवाब आए हैं, उसमें कुछ कमियां जरूर है, लेकिन हमने सरकार से बात किया है और सरकार ने निर्णय लिया है कि 26 तारीख के बाद उसमें एक जो पहलू है, पहला चरण है कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें परमिशन लेना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में परमिशन के लिए फाइल अपना जो है सबमिट करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही इसका नोटिफिकेशन का काम हम दिल्ली सरकार की तरफ से करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, नंबर वन। नंबर दो बात, जैसे सौरभ जी ने बताया, लेकिन ये जो अभी एमसीडी में जो सीलिंग चल रही है इसका इन 351 सड़कों से कोई लेना देना नहीं है। ये भविष्य की बात है, लेकिन हम भविष्य में भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह की आफत दिल्ली के ऊपर आए, क्योंकि नोटबंदी से आधा व्यापार पहले ही खत्म हो चुका, जीएसटी आया उसने उसमें से आधा कर दिया और जो बचा खुचा बचा है वो अगर सीलिंग सीली कर दोगे तो फिर दिल्ली की राजधानी अगर सील होगी तो चलेगा कैसे। इसलिए हम 351 सड़कों पर, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, हम उस पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे। नंबर दो बात, भाजपा पुष्टि है, बार बार उस दिन सदन के अंदर भी आपने देखा होगा और मीडिया के बयान आ रहा है भाजपा का, और व्यापारी जब उस दिन व्यापार बंद था पूरे दिल्ली का, भाजपा के लोग घूम घूम करके व्यापारियों से बोल रहे थे हम क्या कर सकते हैं, हम तो लाचार हैं, ये तो कोर्ट के आदेश पर मॉनिटरिंग कमेटी कर रही है, मेरे बस में होता तो मैं तो जरूर करता। उस दिन विजेंद्र गुप्ता भी गिना रहे थे कि हमने देखो हमारे हाथ में था, हम अर्बन डेवलपमेंट ड्यूटी मिनिस्टर के पास गए और 89,000 से घटा करके 22,000 करवा दिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ होगा कोर्ट से होगा। झूठ बोल रहे थे विजेंद्र गुप्ता उस दिन, भाजपा के लोग झूठ बोल रहे, गुमराह कर रहे भाजपा के लोग। एमसीडी की जो दो मेजर प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी आपके सामने सौरभ जी ने रखा, नंबर वन कि जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, जो मास्टर प्लान है उसके अंदर एफआर जो है उसको जो है बढ़ा दिया जाए, आधा सोल्यूशन हो जाएगा। और ये एफआर बढ़ाने की ताकत डीडीए के पास है, डीडीए प्रपोजल बनाएगा और निर्णय लेगा और नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार नहीं करेगी, उसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार को करना है, मोदी जी की सरकार को करना है। हमारी पहली डिमांड यह है कि दिल्ली के अंदर
डीडीए की मीटिंग बुला करके भारतीय जनता पार्टी एलजी महोदय जो उसके दिल्ली के अंदर नोडल पॉइंट है इसकी मीटिंग बुलाएं और इनका एफएआर बढ़ाया जाए, इससे आधी सीलिंग बंद हो जाएगी। नंबर दो, कन्वर्जन चार्ज को लेकर के भी डिटेल अभी प्रेजेंटेशन उन्होंने किया है। 3,000 करोड़ रुपया जो वसूला गया, पहले उसको तो खर्च करने का प्लान बना लो, पहले उसको खर्च करना, उसके बाद अगर पैसा कम पड़ता है तो फिर आप कन्वर्जन चार्ज लेना। यह एमसीडी कर सकती है और एमसीडी हमारी डिमांड है भाजपा के लोगों से कि मुंह छुपाने की जगह, झूठ बोलने की जगह, लोगों को गुमराह करने की जगह तीनों सदन की मीटिंग बुलाओ और उसके बाद इस कन्वर्जन चार्ज को माफ किया जाए, क्योंकि पहले से जब बिना पैसा लेकर के पड़ा हुआ है, कोई खर्च नहीं हुआ है, तो इस तरह से उगाही का धंधा चलाना ये ठीक नहीं है। ऐसे भी व्यापार पहले से चौपट है, व्यापारी ऐसे ही परेशान घूम रहे हैं तुम्हारी नोटबंदी और तुम्हारी जीएसटी की वजह से, ऊपर से नाजायज जो तुम वसूली का धंधा आप चला रहे हो, इससे व्यापार पर परेशानी आ रही है, संकट आ रहा है। इन दोनों चीजों के लिए जो सबसे बड़ी, इन दोनों चीजों के साथ साथ अगर एमसीडी डीडीए की तरफ से जो दोनों काम करने हैं अगर ये भी नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार के पास तीसरा भी ऑप्शन है ऑर्डिनेंस लाने का। जैसे ये छोटे छोटे चीजों में ऑर्डिनेंस ले आते हैं, वैसे हमारी डिमांड है आम आदमी पार्टी की कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, इन व्यापारियों की तबाही पर तत्काल ध्यान दे, स्पेशल कॉल करके और दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंस ला करके और इस सीलिंग को तुरंत बंद कराया जाए। ये तीन मांगे आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के सामने है और अगर इन तीनों चीजों पर कार्रवाई नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, 29 तारीख का संसद मार्च आम आदमी पार्टी करेगी और अगर फिर भी भाजपा अपने अहंकार पर आती है तो 29 तारीख के बाद फिर लंबे आंदोलन की हम घोषणा करेंगे और पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आंदोलन को लेकर के सड़क पर भी उतरेगी, घर घर जाएगी। जब तक ये सीलिंग नहीं बंद हो जाती है आम आदमी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के साथ भी कहना चाहती है, जिन लोगों का रोजगार छिन रहा है उनसे भी करना चाहती है कि हमारे हाथ में जो कुछ है हम करने को तैयार है। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है, दिल्ली सरकार को जो कुछ भी करना है, चाहे डीडीए हमसे चाहती है कुछ, एमसीडी हमसे चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है, सीलिंग को रोकने के लिए दिल्ली सरकार खुले मन से सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अपने अहंकार पर टिकती है मेट्रो के किराया बढ़ाने की तरह से, तो फिर हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और आंदोलन को हम आगे लेकर के जाएंगे। संसद मार्च का हमारा कार्यक्रम घोषित है, अगर फिर भी जिद अड़ी रहती है तो फिर उसके लिए हम लंबे आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।